शीर्षक द व्हिस्परिंग शैडोज ए बेडथेम टेल। एक बार प्राचीन पेड़ों की चादर के नीचे बसे एक शांत शहर में एक घर था जिसमें एक डरावना रहस्य छिपा हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि चरमराते होलों में एक असली भूत रहता था। बहुत समय पहले एमिली नाम की एक दयालु आत्मा उसी घर में रहती थी। वह अपनी गर्मजोशी भरी मुस्कान और कोमल हृदय के लिए जानी जाती थी। लेकिन एक मनहूस रात में एक भयानक तूफान आया और एमिली बिना किसी निशान के गायब हो गई। जैसे जैसे साल बीतते गए, पुराने घर में अजीब चीजें घटित होने लगीं। रात में एक धीमी दुखद फुसफुसाहट होल में गूंजती थी जो अपने साथ एक ठंडी उपस्थिति लेकर आती थी। ग्रामीणों को पता था यह एमिली की आत्मा थी जो नश्वर क्षेत्र में फंसी हुई थी। बच्चे भूतिया आकृति की एक झलक पाने की उम्मीद में एक दूसरे को घर के करीब जाने की हिम्मत करते थे, लेकिन जिन लोगों ने साहस किया उन्हें जल्द ही सच्चाई का पता चल गया। एमिली एक परोपकारी आत्मा थी जो सांत्वना और एक दोस्त की तलाश में थी। एक चांदनी रात में सारा नाम की एक जिज्ञासु बच्ची परछाइयों का सामना करते हुए एमिली के घर में दाखिल हुई। उसने खुद को एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया जहां एक टिमटिमाती मोमबत्ती हवा के साथ नाच रही थी, और वहां उसके सामने सफेद कपड़े पहने एक दुधली आकृति खड़ी थी जिसकी आंखें दूर के सितारों की तरह चमक रही थीं। सारा से बात करते समय एमिली की आवाज हल्की हवा की तरह थी। बच्चे, तुम क्यों आए हो? उसने पूछा। कांपती हुई लेकिन साहसी सारा ने एक दोस्त के लिए अपनी लालसा बताई, भले ही वह दोस्त एक भूत था। उस रात से सारा और एमिली के बीच एक अप्रत्याशित बंधन बन गया। वे घंटों बातें करते थे, जीवन और उससे परे की कहानियां साझा करते थे। सारा की संगति में एमिली की आत्मा को शांति मिली और घर की भयानक फुसफुसाहटें धीमी हो गईं। जैसे ही मौसम बदला, एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। एमिली की आत्मा गर्म रोशनी से चमकने लगी और उसकी एक बार की दुहक भरी फुसफुसाहट खुशी भरी हंसी में बदल गई। और इसलिए एमिली द फ्रेंडली घोस्ट की कहानी पूरे शहर में फैल गई और सभी को याद दिलाया कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित दोस्ती सबसे अंधेरी जगहों में रोशनी ला सकती है। उस दिन के बाद से घर को अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक असली भूत और उसकी सबसे सच्ची दोस्त सारा के आश्रय स्थल के रूप में संजोया गया था। और यदि आप कभी खुद को उस पुराने घर के पास पाते हैं, तो एमिली और सारा की कहानी याद रखें और जानें कि कभी कभी जो चीजें हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, उन्हें शांति पाने के लिए बस थोड़ी सी दयालुता की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन सावधान रहें प्रिय श्रोता, क्योंकि सभी भूतिया कहानियों का अंत इतनी खुशी से नहीं होता।